अलैकुम दोस्तों कैसे हैं आप लोग उम्मीद करता हूं आप लोग ठीक होंगे तो आज हम बात करने वाले हैं मल्टी वाइटामस के बारे में और चिक्स वेट गेन के बारे में तो का पिछले टू वीक से जो है मैंने एक्सपीरियंस भी किया है और ख़ुद भी जो है यूज़ किया है तो काफ़ी हद तक जो है फ़र्क पड़ा है चिक्स को भी और चिकन्स को भी तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं जो लोग चैनल पर न्यू है चैनल को सब्सक्राइब कर दें और वीडियो को लाइक कर देना आज हमारा चिक आलमोस्ट तकरीबन पंद्रह दिन का हो गया है और ये देखें माशाल्लाह अच्छा सा जो है विंग्स भी इसके आगे हैं और ग्रोथ भी इसने काफ़ी अच्छा किया है ब्लैक कलर में है असील तो इसी तरीके से बाकी जो मेरे चिक्स जो है मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ उनकी भी अच्छा खासा जो है ग्रोथ हो गया है इस सारे चिक्स हुई मैंने यही सिरप जो है मल्टी का तो ये स्टार्ट किया हुआ है और माशाल्लाह से मुझे बहुत अच्छा जो है रिज़ल्ट मिल रहा है प्राइस आलमोस्ट तकरीबन टू वीक से जो है मैं अपनी चिक्स को यही मल्टी वाइटामस और सिरप जो है इसमें आलमोस्ट तकरीबन पाँच मल्टी वाइटामज हैं और मुझे काफ़ी जो है फ़र्क़ पड़ा है तो आप लोगों के साथ मैं अभी शेयर करने जा रहा हूँ किस तरह आप लोगों ने इनको देना है और किस तरह जो है आप चिक्स या चिकन्स का जो है वेट गेन कर सकते हैं ये बेसिकली जो चिकन्स या चिक्स बीमार होते हैं तो उसके बाद इनकी रिकवरी में जो मल्टी वाइटामस की डिफिशेंसी आ जाती है तो ज़्यादातर उसके लिए यूज़ होता है लेकिन वैसे भी आप लोग जो है चिक्स और चिकन्स को यही है आप लोग देख सकते हो लेडरप्लेक्स इसमें जो है काफ़ी मल्टी वाइटाम है चिक्स के लिए आप लोग को मैं भी पूरा प्रूफ के साथ दिखा देता हूँ ये देखें ये सारे मल्टी वाइटामिन इसमें मौजूद है और बेसिकली जो है वेट गेन के लिए बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है तो गाइज ये ज़्यादातर जो है जो चिक्स या चिकन्स बीमार पड़ जाते हैं तो उसके वाइटाम रिकवरी के लिए बहुत ही ज़्यादा इफ़ेक्टिव है लेकिन आप लोगों ने क्या करना है अगर चिक्स को खिलाने हैं तो चिक्स डेली बेसिस पे आप लोगों ने बिल्कुल नहीं करना दूसरे या तीसरे दिन जो है आप लोगों ने क्या करना है अभी आप लोगों को मैं पूरा आ, बता दूंगा कि किस तरह आप लोगों ने चिक्स को खिलाना है अब यहाँ पर मैं इनको पानी डाल लेता हूँ और कैप में से हल्का हल्का जो है ड्रॉप में सारी साइडों पर जो है कर दूंगा। अब देखें ये देखें थोड़ा सा यहाँ पे, थोड़ा सा यहाँ पे। और अभी मैं इनको अच्छी तरह से पानी में जो है मिक्स कर दूंगा तो अब देखें, गाइस, पानी का जो है टेस्ट भी थोड़ा सा स्वीट हो जाता है जिसकी वजह से ये ज़्यादा पानी पीते हैं और दूसरी बात यह है कि इनको मल्टी वाइटामिन भी काफ़ी हद हाँ तक जो है वाइटामिन बी वन सारी मैंने आप लोग को दिखा दिए है सात आठ किस्म के मल्टी वाइटामिन इनको मिल जाते हैं तो ये बेसिकली गाइज़ आप लोग औरली भी डायरेक्ट भी इनको पिला सकते हो दो या तीन खतरे जो छोटे चिक्स होते हैं और पानी में भी लेकिन बेस्ट तरीका यही है कि आप लोग इनको पानी में डाल लें तो सारा दिन पड़ा रहता है और जैसी चिक जो है पानी पीते हैं तो इनको मल्टी वाइटाम जो है वो मिलते रहते हैं बाकी इनके साथ साथ जो है आप लोग पालक भी खिला सकते हो और दूसरी बात यह है कि घर में जो सालन या रोटी बच जाती है तो वो भी डाल सकते हो तो ये होगा कि इनको कभी भी फिर मल्टी वाइटामस की कमी जिसकी वजह से वीक हो हो वो चिक्स की डेथ हो जाती है तो कभी भी मल्टी वाइटामस की कमी नहीं आई देखिए इस यहाँ पर मैंने घर का सालन और रोटी जो है मिक्स की हुई <laughs> है काफ़ी शौक से खाते हैं चिकन और चिक्स आईस, अभी रात होने वाली है तो चिक्स को मैंने कैच के अंदर ही बंद कर दिए ये देखें जो है दरवाज़ा बंद कर देता हूँ यहाँ पर मैंने पानी रख दिया मल्टी वाइटामिन वाला अभी मैं अपने प्लाई माउथ और देसी जो है चिक्स को वहाँ ले जाता हूँ क्योंकि तो वो मुर्गे जो है इनको कहानी नहीं देती ज़्यादातर चिक्स जो मरते हैं वो इसी मल्टी वाइटामस की वजह से ही मरते हैं क्योंकि इससे जो है अगर थोड़ा सा वीक पड़ जाता है तो उससे काफ़ी बीमारियाँ भी लग जाती है उनको इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है तो उसके वजह से स्ट्रोक भी हो सकते हैं फालिद जिसे कहते हैं और फिर वो ठीक तरह से जो है खाना पीना भी बंद कर देते हैं और ज़्यादातर जिनके पास चिकन्स और चिक्स हैं वो बीमार हो जाते हैं तो रिकवरी के लिए ये लेटरप्लेक्स जो है आप लोगों को मैंने सिरप दिखा दिया है तो ये बेस्ट है रिकवरी के लिए और मल्टी वाइटामस भी जो है वो दे देते दे हैं और उसके अलावा पालक और घर का जो खुराक है तो वो आप लोग भी कंटिन्यू कर सकते हैं फिलहाल वीडियो को यहीं पर एंड करते हैं वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दें चैनल पर नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर देना अल्लाह हाफिज़